गुड मॉर्निंग दोस्तों दोस्तों आप एक बार फिर स्वागत करता है मेरे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों फिलहाल सुबह का 6 बज चुके हैं और मेरे टीचर दिखता है मैं कहाँ भी हूँ। दोस्तों मैं फिलहाल पे घर पर हूँ और ये मेरे सामने मेन हाईवे रोड है। दोस्तों यहाँ से एक मेरे को ट्रिप मिला है, एक पार्टी का माल ले जाना है। देख सकते मैं गाड़ी में एक छोटा सा कार्टून लोड है। तो दोस्तों हम यहाँ से निकलेंगे बेलतला लेकर, यार मेरे घर से दोस्तों लगभग 10 किलोमीटर का आसपास पड़ता है। तो पार्टी से भी सुबह बात हो चुका है, पार्टी फोन करके बोला था खुद माल लेकर आना आपको और जल्दी थोड़ा लेकर आना है, ठीक है। और दोस्तों इस भाड़ा भी बात हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे लेकर माल जल्दी से, तो ठीक है फाइनली माल लेकर पहुंच गया हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं वो भैया रख ले लिए माल, रिसीविंग कर लिए हैं। और यहाँ से दोस्तों हमको बेलतला से पास पहुंच गया हूँ। और यहाँ से दोस्तों एक बहुत ही अच्छा जगह है, एक नामी जगह है जिसका नाम है वशिष्ठ। दोस्तों एक काफ़ी यहाँ पर पुराना मंदिर एक है, उसका भी कभी आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ पर आकर। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से माल तो खाली हो गया है, भैया अभी आ रहे हैं तो बोले पैसा भी दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से लेके निकलते हैं। यहाँ दोस्तों जैसे काफ़ी खूब सुंदर जगह भी है, अच्छा पेड़ पौधे यहाँ पर, पहाड़ भी चारों तरफ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से माल तो दे दिया, अब यहाँ से निकलते हैं अगले ट्रिप के लिए। दोस्तों फाइनली एक और नया ट्रिप मिला है और इसको हमको ले जाना है दोस्तों बिष्णुपुर। और दोस्तों मैं अब जो जहाँ खड़ा हूँ उस जगह का नाम है ये आईएसबीटीस। दोस्तों आईएसबीटीस यहाँ पर बहुत काफ़ी सारा बस खड़ा लगता है, सुपर नाइट बस। देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सारा बस लगा है आजू बाजू में, सुपर नाइट बस। दोस्तों यहाँ पर आसाम के हर एक कोने का, कोने कोने जगह का बस मिल जाता है यहाँ पर कहीं भी जाने के लिए। पास का जैसे अपना राज्य हो गया शिलोंग, वहाँ का भी बस मिल जाता है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बाकी जगह का बस मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से कुछ थोड़ा माल था ले लिया हम, और यहाँ से लेके निकलेंगे हम लोग, जाएंगे बिष्णुपुर डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से लेके निकलते हैं फटाफट। तो दोस्तों फाइनली माल लेकर पहुँच गया हूँ और ये जगह का नाम है दोस्तों ये छतरीबाड़ी आठगांव। और मैं पीछे देख सकता दोस्तों यहाँ पर माल देना है, ट्रांसपोर्ट छोटा सा ट्रांसपोर्ट यहाँ पर है ये अंदर में, और ये माल खाली करना है, ठीक है दोस्तों। और इधर देख सकते हैं दोस्तों एक गौशाला भी इधर है। इधर दोस्तों इसको आठगांव गौशाला बोलते हैं और छतरीबाड़ी भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ माल खाली करेंगे और यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। और देखते हैं कहीं और दूसरा कोई ट्रिप मिलता है तो चलेंगे यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो माल खाली कराते हैं फटाफट लेबर से और यहाँ से निकलते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और अपने मैं घर पर आ चुका हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं अपना गाड़ी भी लगा दिया हूँ पेड़ के छाव के नीचे में, देख सकते ऊपर पेड़ है यहाँ पे, नीचे लगा दिया हूँ गाड़ी अपनी, यहाँ पर खड़ा कर दिया हूँ। और दोस्तों अभी घर पर जाएंगे, अभी फिलहाल खाना बनाना पड़ेगा और नहाए धोएंगे भी। तो दोस्तों अभी खाना तो बना तो है नहीं घर में, तो या तो होटल में खाना पड़ेगा दोस्तों, या तो फिर घर में कुछ होगा तो बना वही खाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं घर पर। एक चीज दोस्तों बात बोलना भूल गया कि दोस्तों हम अब मेरे इस ब्लॉग में सिर्फ आपको गुवाहाटी का ही टूर मिलेगा देखने के लिए। जितना हम लोग गुवाहाटी घूमते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, हम लोग भाड़ा मारते हैं, हम लोग एक एक आप लोगों को जगह दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ का जितना अभी एथी एरिया है, जितना आप लोगों को मतलब जितना भी जगह है मैं कोशिश करूंगा आप लोग दिखाने के लिए अपने ब्लॉग में, ठीक है दोस्तों। तो यही बात है। तो दोस्तों एक बात बोलता और बात बोलता हूँ कि हम लोग अभी दोस्तों मान लीजिए घर में जाकर खाना बनाएंगे खाएंगे, अभी हम लोग टाइम भी बहुत दोस्तों लगता है इसमें। अभी कब कब भाड़ा आएगा, कब कोई ट्रिप मिलेगा, कब कहीं से फोन आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं होता हम लोग तो, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग एक ड्राइवर का भी लाइफ मतलब बहुत ही कठिन होता है, मतलब ऐसे कोई बोलता है बहुत आसान लाइफ होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो लेकिन दोस्तों गाड़ी चलाने के बाद ही मालूम पड़ता है कि आपको कितना परेशानियों को झेलना पड़ता है, कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ता है इसमें, ठीक है दोस्तों। यही बात है। और कभी दोस्तों होता है कि हम लोग खाना टाइम पे नहीं खा पाते हैं, ना ढंग से सो पाते हैं, या से सिर्फ हम लोग अपना काम में रहता है, या तो काम नहीं मिलता है, तो फिर यहाँ हम लोग ऐसे देखते हैं कुछ ना और कोई
जुगाड़ करते हैं भाड़ा माने के लिए, कैसे करना है नहीं करना, हमको कुछ ना कुछ मतलब ऐसे लगाना ही पड़ता है उसके लिए। तो दोस्तों यही हम लोग का लाइफ होता है कि ड्राइवर कैसा रहता है, देखें आप लोग कैसे ड्राइवर जिस जीता है लोग, यही बात है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं रूम पर, देखते हैं कुछ खाना बनाएगा और यहाँ से खा के फिर कोई नया ट्रिप आएगा तो फिर कहीं चलेंगे, देखते हैं अभी। दोस्तों अभी रात को 7 बज चुके हैं और मैं अभी घर पर आ गया हूँ। आज ट्रिप मार कर जितना था तो दोस्तों फिलहाल तो घर पर आ चुका हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं मेरा गाड़ी यहाँ पर लग चुका है। और दोस्तों अभी फिलहाल रात हो गया है तो खाना बनाना होगा, तो जा रहे हैं कुछ सब्जी लाने के लिए। और यहाँ से दोस्तों बाजार मेरा थोड़ी दूर पर ही अभी है। ठीक है दोस्तों, सभी आए तो खा जा रहे खाना बना। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे घर के सामने जो ब्रिज बना है पर नया लाइट लग चुका है अभी। कितना सा लाइट, कितना अच्छा है अभी लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर अभी रात को भी कोई डर कुछ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर काफी डर रहता था अंधेरा होने से। दोस्तों लाइट लगने से बहुत अच्छा है हम लोग के लिए, काफी जगह हम लोग गाड़ी यहाँ पर खड़ा रहता है ना रात को, इसीलिए। तो दोस्तों आज को बस ब्लॉग में इतना ही, और चलो थोड़ा सब्जी लाएंगे फिर दोस्तों मिलेगा आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिर दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।